बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, अगर आप डॉक्टरों और हकीमों के ख़र्चों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना, आपके जिंसी मसाइल और अज़्वाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पर बहुत सारी टिप्स लेके आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी परेशानियाँ कम होती रहें। दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा कि जिस्म के अंदर एक दम से ताकत कैसे पैदा की जाती है, वो कौन सी ऐसी चार चीज़ें हैं जिनको खाने से मर्द के अंदर एक ऐसी ताकत आ जाती है, ऐसी कुव्वत आ जाती है। सबसे पहले तो वो जैसे ही खाता जाएगा उसके अंदर उसकी कुव्वत मर्दानगी बढ़ेगी, मतलब कि उसके अंदर ताकत आएगी, जोर बढ़ेगा, उसके अज़ू में लंबाई पैदा होगी और मादा मनविया में इजाफा हो जाएगा। ये चार चीज़ें आपको मैं एक बताऊंगा, इनका मुरक्कब एक तैयार होता है, बड़ी आसानी के साथ तैयार हो जाता है और सर्दी के मौसम में तो मैं आपको कहूंगा कि ये सोना है आपके लिए खाना। तो मैं आपसे तो ये कहूंगा कि अगर आप सोना बेच पर भी खाएं तो ये कम नहीं होगा। इतना फ़ायदा है इसका कि मैं आपको बता नहीं सकता कि एक सर्दी इसका इस्तेमाल आपको 10 सर्दियों तक दे जाएगा, इतनी ज़्यादा कुव्वत इसके अंदर पाई जाती है। तो आइए वीडियो को शुरू कर दें, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है और अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर भी करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपने बादाम की गिरियाँ ले लेनी है 50 ग्राम की मकदार में। दूसरे नंबर पर आप दोस्तों को मुनक्का चाहिए, जो तकरीबन आपने लेना है 100 ग्राम की मकदार में। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपने दूध जो है वो आधा लीटर ले लेना है। और चौथे नंबर पर दोस्तों आपको चाहिए देसी घी, जो आपने हसबे ज़रूरत ले लेना है। देसी घी दोस्तों इसलिए इसमें डाला गया है कि अगर आपको असल में ताकत और कुव्वत चाहिए ना, फिर आपको दोस्तों देसी घी डालना ही होगा। तो बादामों को आपने छील कर कूट लेना है, देसी घी के अंदर डालकर आपने थोड़ा सा भून लेना है और मुनक्के के बीज भी देसी घी में डालकर थोड़ा सा आपने इनको भून लेना है। और इसके बाद जो दूध आपको दिया होगा वो आपने इसके अंदर डाल देना है और अच्छे तरीके से पकाना है, यहाँ तक के दूध का जो है ना दोस्तों वो खोया बन जाए, गाढ़ा हो जाएगा ना, जैसे आप देखते हैं कि दूध का जो है ना वो खोया तैयार हो गया है। अमेजे को इसमें आपने थोड़ी सी मिश्री शामिल करनी है और इस अमेजे को फिर आपने साइड पर कर देना है और इस अमेजे को फिर आपने सुबह के वक्त नाश्ते में इस्तेमाल करना है। यकीन जाने दोस्तों, ये ऐसी एक खुराक है कि ये हर मर्द को खानी चाहिए, तकरीबन हर मर्द को दोस्तों इसको खाना चाहिए। के अंदर कमजोरी है या नहीं है ये बत, या फिर जिनके अंदर कमजोरी है वो खाते जाएंगे ना, तो दोस्तों पहले दिन की खुराक ने ही ऐसा कमाल दिखा देना है। यानी दोस्तों यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि ये आपके अज़ू की ट्यूनिंग कर देगा, ताकत की बेहतरीन तरीके से ट्यूनिंग कर देगा। जैसे गाड़ी की ट्यूनिंग की जाती है और वो नहीं हो जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये ट्यूनिंग कर देगा। सारी आपके अज़ू के अंदर ताकत में जो जितनी भी कमजोरियां हैं, जो भी फासद मादे हैं वो निकाल देगा, आपके अंदर ताकत बढ़ देगा और आपके अंदर ताकत आएगी। करता हूं दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद इस तरह के वीडियोस आपकी रहनुमाई के लिए मिलते रहें। इजाज़त दें, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।